सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या चल है हम सबके, उम्मीद है सब बेहतर होंगे। तो आगे मुझे कौन ब्रांड वीडियो के साथ। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने जो फर्स्ट वीडियो डाली सोलो वाली, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया मैं क्या बताऊँ यार, मजा आ गया मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप सबका बहुत शुक्रिया यार, इतना सपोर्ट करते हो, इतना मुझ पर ट्रस्ट करके लाइक सपोर्ट करते हो कि मतलब सपोर्ट करना एक ट्रस्ट करना ही होता है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका यार, आप सब भाइयों का, और जो बहनें हमें देखती हैं, और जो हमारे मतलब जो भी हैं, हमारे बड़े हैं छोटे हैं जो भी देखते हैं, लव यू यार, दिल से लव यू। तो आते हैं आप गेम प्ले पे। तो गेम प्ले से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हमारे लाइक की रेशियो थोड़ी कम हुई पड़ी है, मतलब पहले 20,000 व्यूज पे 5,000 लाइक्स आते थे, अब 4,000 आते हैं। तो लाइक ठोक दो, हम इस वीडियो पे भी 6,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर आप लोग करते रहोगे तो इंशाल्लाह 6,000 भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम उतरते हैं स्कूल पे, यहाँ पे दो तीन बच्चे उतरते हैं, सही है, एक को तो उतरते हम मार देते हैं, बाकी यहाँ पे आपके एक को मतलब मेरी फेवरेट गन AKM ग्लेशियर मिल जाती है, जो कि अभी मैं इस गन का 1.5 साल से वेट कर रहा था, और जैसे ही आपके भाई ने ठक करके निकाली। तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता अभी, एक बोट नीचे है सही है, और दूसरा भी नीचे ही होगा, दोनों को हम मार देते हैं। तो साथ वाली बिल्डिंग में एक बंदा तो बड़ा ख़तरनाक बंदा होता है भाई, मुझे तो मतलब उस पर शक नहीं होता, लेकिन उसका जैसे नेट चल रहा होता ना, एक दफ़ा मुझे लगता है भाई ये बंदा गलत है। हाँ, जो मैंने लिखा चीटर, उसका भी मैं आपको सारा सीन बताता हूँ। पहले ये बंदे को देख लो, ये बंदे के फर्स्ट स्टेप आपको दिख ही रहे हैं अगर आप मैप पे देख रहे हो। तो यार काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं भैया आप एडिटिंग कहाँ से करते हो, और ये सब मैं बताता हूँ आपको, एडिटिंग मैं कहाँ से करता हूँ, मेरी वीडियो क्वालिटी क्यों अच्छी होती है। मेरी वीडियो 1080p पे या 720p पे देखा करो, फिर आपको बहुत मज़ा आया करेगा। ये देखो क्या गायब हुआ एक सेकेंड में, तो गाइस यकीन मानो इस बंदे ने मुझे हिला के रख दिया भाई, ये कैसे मार रहा था। तो खैर मेरा उस पे एम नहीं आया, एक तो ये मुझसे गलती हुई। यहाँ पे मैं रसोक की पहाड़ी पे देख रहा होता हूँ, वहां पे बग्गी खड़ी होती है, मैं कहता हूँ कोई बंदा बुंदा स्पोर्ट हो, मतलब पीछे पचिंग की वाली साइड से आती है बग्गी, वो बंदा उतरा। तो मुझे समझ नहीं, ये बंदा बग्गी खड़ी करके आ क्यों रहा था, इसको लगा शायद मैं पीछे हूँ तो इसलिए शायद रश कर रहा था। खैर मैं लूट शूट करके बग्गी पे स्मोक करके ऊपर रोक पे जो पहाड़ी होती है, उधर जो बग्गी खड़ी होती है उधर जाता हूँ। तो गाइस मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ एडोब प्रीमियर फोटोशॉप पे, उस पर ही रात को 2-3 घंटे एडिट करके वीडियो फिर अपलोड करता हूँ, और फिल्मोरा 9 पे स्क्रीन स्ट्रेच करता हूँ, फिल्मोरा 9 जो सॉफ्टवेयर है, तो उस पर स्क्रीन स्ट्रेच करके। तो ये बंदा नीचे स्कूल की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उधर हमारी अभी फाइट हुई होती है, तो मैं इसको साइड से मार देता हूँ, बेचारे को सरप्राइज ही मिल जाता है। तो ये सीन होता है, बाकी यहाँ पे बालू मंगवाया होता है इधर एक बंदे ने, तो बगी शगी लेके हम इधर आते हैं, मैं साउंड वगैरह नहीं देता, ईजी होके आता हूँ। पहले मेरा काम यह है देखना कि इस बंदे को पता चला या नहीं मैं आया हूँ, उसको नहीं पता चला होता। इस बंदे पे मैं मारता हूँ स्प्रे, फिर मैं प्री फायर AKM का मारता हूँ, और वो बंदा प्री फायर से आगे बढ़ जाता है, फिर हम बालू को ही मारेंगे यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ इसकी कम होती है, लेवल 3 लेंगे इसे, लेवल 3 लेके हम ऊपर जा रहे होते हैं कि यहाँ पे ये आई थिंक बोर्ड भाई होते हैं, या फिर थोड़े हमारे भाई हल्के न्यू प्लेयर होते हैं, जो भी होते हैं, इनको हम मार के यहाँ से भी निकलते हैं बगी लेके अपनी। तो यहाँ पे इस बंदे को देखना यार, इस बंदे पे मुझे ना शक होता है, अभी मैं बताता हूँ। अच्छा ये बंदा देता है प्री फायर, पहले तो मतलब इस बंदे को मैं लाइक थोड़ा सा राइट होता हूँ ना, वो बंदा प्री फायर देने लग जाता है, हालांकि दीवार के पीछे हूँ मैं। खैर वीडियो देखने के बाद मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता कि चीटर है, बट जब मैं खेल रहा होता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है भाई ये बंदा गलत है, इससे बच के ज़रा। तो इसको मैं बड़ा ज़रा ख्याल से फायर देता हूँ। तो इधर वो ऊपर मैप में देखो निशान आ रहा है, बंदा मार रहा है किसी को, और मार भी देता है, लेकिन मुझे दिखता नहीं है। काफ़ी देखने के बाद हमें आखिरकार दिख ही जाएगा भी, ये लेटा पड़ा है लूट कर रहे हैं, बोट को मार के उसकी लूट कर रहा होता है।
तो खैर मैं इसको जाकर लूट शूट करके हम यहाँ से सीधा जोधपुर के स्क्वाड हाउस में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि जोन का मिड होता है ये, और मुझे लगता है इधर बंदे होंगे, और बंदे होते हैं इधर, बंदे नहीं बंदा होता है। इसके साथ क्या प्रैंक करूंगा मैं देखते जाओ। हेलो 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 कह रहे अरे भी होता है वो, देखो पता नहीं अरबी में क्या हो रहा है भाई। एक तो अरबी बोलने लग जाते हैं, पता नहीं गालियां देते क्या देते हैं, हर मैच में ऐसा यही सीन होता है। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे छत पे, उस बेचारे के साथ ग्रेनेड वाला सही प्रैंक, ग्रेनेड में पिन करता हूँ उसको, लगता है ग्रेनेड फेंकने लगे, लेकिन मैं फेंकता नहीं हूँ। यहाँ पे एक शॉट हमारी मिस होती है, दूसरी भी मिस होती है, लेकिन तीसरी पे मैंने कहा भाई बंदा जा ही जा रहा है पावलो की तरह, ना उसके पास गाड़ी है ना राइट लेफ्ट हो सकते, ईजी होके मारते तो ईजी होके मैं आराम से नाप के मारता हूँ। अब यहाँ पे भाई बहुत टफ सिचुएशन आने वाली है, यहाँ पे तो जो मैं बचता हूँ ना, या वीडियो में तो मैं थोड़ा कट कर दूंगा, यहाँ पे मुझे सामने से स्नाइपर पड़ती है, लेकिन देखते जाओ भाई क्या बचता है आपका। भाई पूरा सीन मैं नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा कट करके दिखाता हूँ। देखो पीछे बंदा आ गया, यूएमपी मारी उसने, अब आगे भी बंदा जिसने मुझे स्नाइपर मारी, पीछे भी बंदा, पीछे वाले ने इस पे फायर किया स्कारल से। अब ये वाला बंदा उसकी टीपीपी ले रहा होता है, और मैं नीचे से पूरा घूम के बेचारे को मार देता हूँ। अब ऊपर वाला बंदा, अब पीछे फिर एक और आएगा, देखते जाओ, उससे मैं लड़ रहा हूँ स्नाइपर वाले से। अरे भाई बता के तो आओ, बिना इनविटेशन के ही आए जा रहे हैं भाई, कोई फायर कोई मतलब ओपन होता है ना, कोई फुट स्टेप कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल स्मोक कर लेता हूँ, पीछे वाला बंदा जो होता है वो भाग जाता है स्नाइपर वाला, और ये बंदा जो है ये भी स्मोक मैं जब करता हूँ ना, इसको मतलब पजल हो जाता है, नीचे चला जाता है, वो देखो दिखा नीचे चला जाता है। तो मैं इसको थोड़ा देखता हूँ, नापता नूपता हूँ, नहीं दिखता, फिर जोन शिफ्ट हो जाता है, मैं भी निकल जाता हूँ ऊपर, निकल जाता हूँ तो ऊपर देखो। अब इसको मारना लाजमी था, मैं इसको ऊपर से आराम से देख लेता हूँ, तो मैं टीपीपी लेते लेते जाके ना पूरा उस पर एम रख के एकदम स्नाइपर का स्कोप खोल कर पट से हेडशॉट दे देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जान के ओपन में आता हूँ, कोई मुझे फायर मारे, और वैसा ही होता है। अरे जब मैं कवर में आ गया तब फायर कर रहा है भाई, तो यहाँ पे इन भाई को भी हम पट से हेडशॉट मारते हैं। आखिरी बंदे इसको हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्मोक होती है, स्मोक से बंदा सीधा ये सामने दरख्त पे आता है, और इसको भी हम कोई स्कोप मार के विनर चिकन डिनर हो जाता है। अरे अभी थोड़ा इजी चिकन हो रहे हैं, देखो 3398 थे ना, अभी हमारे पॉइंट्स 58 प्लस ओपी। तो अब ये प्लेन वाले का नाम देख लो, और हम उतरते हैं मिलिट्री में। इस प्लेन वाला बंदा जो है ना, इसके काम देखना, यहाँ पे हम मिलिट्री उतर के, मैं इधर ही मिलिट्री में ज़्यादातर हमेशा इधर ही उतरता हूँ, क्योंकि इधर लूट शूट भी मिल जाती, कोई बंदा भी आ जाए ना उसको मैं मार लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ, स्क्वाड में भी मैं इधर ही उतरता हूँ। अरे बंदा कर क्या रहा था भाई, मेरे पास UMP है, उसके पास M4 मिल गई उसको, लेकिन उसने मजाल है कि फायर किया हो। तो इधर से फायर आ रहा होता है, दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं भाई, एक गोली भी नहीं लगी, एक दो तीन चार पाँच गोलियाँ टावर वाले को लगी, लेकिन नहीं हुआ नोक। अरे भैया कहाँ जा रहे हो यार, इसके सामने मैं फायर कर रहा हूँ, नहीं अभी मैं आ जाता हूँ जो तीन बिल्डिंग्स है ना मिड वाली बिल्डिंग में आ जाता हूँ। ये बंदा भाई मुझे बहुत तंग करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, आखिर वो ऊपर जाता है, मैं पूरा बिल्डिंग घूम के पीछे से ऊपर जाता हूँ, सही है, और ये बंदे ने टावर वाले बंदे को मार दिया होता है, इसको मैं मार देता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये ओपन में जाके ऊपर जाके क्यों मार रहा है, टावर वाला बंदा भी उसको इसने मार दिया होता है, तो इसलिए मैं इधर ऊपर जाके इसको इजी मारता हूँ। यहाँ पे ये बंदे ने UMP फायर दिए, सही है, आपने सुने UMP फायर दे के मैं समझता हूँ बोट है, लेकिन ये बोट नहीं होता। अभी देखो एक हेडशॉट लगा, ओ भाई M24 मारी आई थिंक इसने मुझे। तो इधर मैं लेवल 2 पहना होता है तो मैं रिस्क नहीं लेता बिल्कुल, मुझे पता है इसके पास मतलब M24 है और UMP9 है, तो UMP का स्प्रे तो मुझे इतना मतलब करेक्ट तब भी लगेगा, बहुत अच्छा प्लेयर होगा। तो ये बंदा ये सामने वाले पत्थर पे था, उधर से पीछे वाले पत्थर पे चला गया, सही है, इस पत्थर पे था, लेकिन अभी नेक्स्ट वाले पत्थर पे चला गया, मैं इसको देख लेता हूँ जाते हुए। तो मैं इस पत्थर पे आ रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ अगर वो पीछे से मुंह निकालेगा भी, मैं रिफ्लेक्स मारने की ट्राई करूंगा, खुद को बचा लूंगा।
ये हमारे प्लेन वाले भैया भाई क्या कतई जहर वाला कैंप कर रहे होते हैं, तो इसको हम मार के ये मजे वाला इमोट करते हैं, फिर बोर्ड को मार के थोड़े M24 के शस्के लेते हैं। तो हम आके सीधा नोवो आके इधर थोड़ा जोन का मिड होता है तो ब्रिज ब्लॉक कर लेते हैं, क्योंकि जोन बना होता है नोवो और मिलिट्री वाली साइड बेसिकली। तो इधर आके हम ब्रिज ब्लॉक करते हैं और मैं मिड पे आके लेट जाता हूँ ताकि ना पीछे से दिखूँ ना आगे से दिखूँ। सोलो है आपको पता है कि हेडशॉट पड़ना होता है, तो यहाँ पे मिड पे मैं वेट कर रहा होता हूँ। जैसे मैप खोलता हूँ जोन देख रहा हूँ तो इसी दौरान बग्गी आ जाती है भाई। UMP का मजे का पहली दफा ही मैं स्प्रे यूज कर रहा हूँ ऐसे UMP का, तो मजा आ रहा होता है। अभी फिर मैं वेट कर रहा होता हूँ, वो देखो बाइक आ रही है, सही है ट्रिपल सीटर दोस्ती बाइक आ रही है भाई। UMP चिपक जाती है, आप देखो ना मैं आप बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ। सोलो में अगर आप रैंक पुश कर रहे हो मेरा मशवरा भाई UMP यूज करो। अभी नीचे यहाँ से बोर्ड निकलता है, बोर्ड के चक्कर में मैं पोजीशन अपनी रिवील कर देता हूँ, उधर से आ जाती है मैक्लेरन। खैर मैक्लेरन वालों को भी हम पट्ट से हेडशॉट मारते हैं। अभी आप लोग सोच रहे हो कि इतना मतलब मजे से मैं M24 कैसे यूज कर रहा हूँ, रिलीज पे रख के। अब जब सेटिंग में जाओगे ना, बेसिक में जाओगे, बोल्ट एक्शन वाला ऊपर ऑप्शन होगा, रिलीज पे रखो। उसमें क्या होता है कि आपको स्कोप नहीं खोलना पड़ता, जब फायर वाले बटन पे आप होल्ड करोगे ना तो आपके स्नाइपर का स्कोप खुद ही खुल जाएगा। यहाँ पे देखो मजे वाला सीन है भाई, ये बंदा मतलब जब मैं पीछे से वो मैक्लेरन लाया आपको राइट पे बंदा दिखा होगा, नहीं तो पीछे करके दोबारा देखो आपको बंदा दिखेगा। ये बंदा क्या कर रहा था, इधर आके लेट जाता है। अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, दिख रहा है बंदा नहीं, अभी देखो ये देखो इस शैग में कैसे लेटा होता है, ये शैग नहीं बुश में सॉरी भाई, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। जो थंबनेल में मैंने लगाया ना कि वो बैन वाला जो स्टिकर, वो मैं दिखा नहीं सकता, मैं वजह भी नहीं बताऊंगा कि क्यों नहीं दिखा सकता, कुछ बात है तो। लेकिन मैंने वो लेके ना थंबनेल में दिखा दिया, लेकिन इतना मैं कहूंगा उसका नाम भी मैं ली, जैसे हम चीटर उसको कह सकते हैं, वो चीटर था और चीटिंग कर रहा था मेरे मैच में। वो शुक्र है कि बैन हो गया और ना मेरे सामने है ना कुछ, खैर हमारा रैंक नहीं उसने ख़राब किया, दो चार पाँच किल उसने किए होंगे, बैन हो गया, मैंने देखा दुखा भी नहीं उसको बिल्कुल। तो ये चीटर यार आते रहेंगे और दिखा मैं नहीं सकूँगा, हो सके अगर मुझे लाओ हुआ दिखा भी दूंगा, लेकिन अभी मैं मुझे पूछना पड़ेगा तो मैं अभी दिखा नहीं सकता। यहाँ तक हमारी वीडियो थी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।